नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 16 जनवरी 2020 की। दोस्तों बड़ी अपडेट देखेंगे और बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पहले देखेंगे यूपी टेट 2019 में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्तियों की भरमार। 24 घंटे में शुल्क और बिना शुल्क के भेजी गई 250 से ऊपर आपत्तियां। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है कि आपकी 24 घंटे में 250 से अधिक ऑब्जेक्शन फाइल हो चुके हैं। तो एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक प्रश्न के ऑब्जेक्शन के लिए इस समय ₹500 देने पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, जिन बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं, जो बच्चे एक दो नंबर से रह रहे हैं पेपर में पास होने के लिए। तो फिर से दोस्तों पहले हम आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। अगर आप लोग आरक्षित वर्गों से आते हैं, ओबीसी एससी और एसटी के छात्र हैं, तो दोस्तों आपको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए होंगे। और एक बात दोस्तों बता दें, अगर आप लोग के 70 नंबर है तो 70 से दोस्तों 90 नंबर का सफर कैसे तय होगा, या 70 से 82 नंबर कैसे होंगे, तो इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं और रियलिटी क्या होती है हर बार, और यूपी टेट का पुराना इतिहास कैसा है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये भी जानेंगे कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी अपडेट ये आई कि यूपीटीईटी 2019 के परीक्षा में डीएलएड करने वाले के ओएमआर का मूल्यांकन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो इस बार आपकी कॉपियां नहीं चेक होने वाली हैं। तो पूरी अपडेट को देखेंगे दोस्तों कि कौन से छात्र हैं जो डीएलएड किए। तो दोस्तों सभी डीएलएड के लिए ऐसा नहीं होता कि अगर आप यूपी डीएलएड के स्टूडेंट थे तो आपकी कॉपियां चेक होंगी कि नहीं, इसको अभी देखेंगे। फिर दोस्तों बात होगी आपकी परिषदीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के मांगे प्रस्ताव, 4,500 से अधिक पदों पर हो सकती है यह भर्तियां, टीटी के रिजल्ट का है इंतजार। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी आपके लिए खबर होगी कि यार जल्दी से आपका रिजल्ट है, उसके बाद दोस्तों 4,500 पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों आवेदन लिए जाएंगे, बस आपके टेट का रिजल्ट का है इंतजार। और जो कि रिजल्ट दोस्तों आपको पता है कि कब आने वाला है, 7 फरवरी को। फिर दोस्तों अगली अपडेट होगी हमारी कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में प्रशिक्षण वाले जिले से आवेदन को चुनौती की याचिकाएं हो चुकी है खारिज। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी अपडेट आई है, काफी दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे इस शिक्षक भर्ती का। तो ये दोस्तों बहुत ही पुरानी शिक्षक भर्ती है, 2016 से चलती हुई आ रही है, ये आज की शिक्षक भर्ती नहीं। हम आपको बता दें 2020 भले हो चुका हो, लेकिन ये शिक्षक भर्ती स्टार्टिंग लगभग 2016 में हो चुकी थी। तो 4 साल दोस्तों हो चुके हैं शिक्षक भर्ती को। और अगला सवाल आपका आ रहा है कि सुपर टेट का पेपर कब होगा। तो दोस्तों चलिए अब एक एक करके सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर कर दीजिएगा और उन तक पहुंचाएगा दोस्तों, जिससे कि उनको भी ये पता चले कि ऑब्जेक्शन दो जो हो रहे हैं इस समय, आपत्तियां दर्ज हो रही है बहुत ही ढेर सारी हो रही है, हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं। पूछे गए प्रश्नों पर आपत्तियों की भरमार। देखिए दोस्तों यूपी टेट में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्तियों की फिर भरमार हो गई है। दूसरे दिन शाम तक करीब 250 से अधिक आपत्तियां की गई। अधिकांश आपत्तियां चुनिंदा प्रश्नों पर ही हैं। उनमें से तमाम अभ्यर्थियों ने बिना शुल्क जमा किए ही आपत्ति भेजी है, जबकि शुल्क के साथ आपत्ति करने वालों की संख्या 100 के करीब पहुंच रही है। तो दोस्तों की ये बड़ी अपडेट है कि यार 100 छात्र ऐसे बन चुके हैं। देखिए आपको हम बता दें, अगर आपने ₹500 शुल्क जमा नहीं किया, उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपने दोस्तों आपत्ति को लिया नहीं जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो छात्र ₹500 पेमेंट करेंगे उन्हीं की आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इस बार आपत्ति के लिए प्रावधान किया था कि अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न ₹500 का भुगतान करना होगा। जिनकी आपत्ति सही होगी उनका धन खाते में रिजल्ट के बाद वापस हो जाएगा। आपत्ति गलत निकलने पर धन जब्त हो जाएगा। दूसरे दिन शाम तक 109 अभ्यर्थियों ने बिना शुल्क के ही आपत्तियां की। सचिव अनिल भूषण ने बताया कि आपत्तियां 17 जनवरी तक ली जाएंगी। तो दोस्तों आज आपकी 16 तारीख हो गई है, तो मतलब आपके दोस्तों आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि कल तक है। तो देखिए अगर आपको अपने नंबर बढ़वाने हैं तो आपको ऑब्जेक्शन करना ही पड़ेगा। हाँ अगर कोई छात्र ये कर देता है तो भी सही, ऐसा नहीं है कि सभी छात्रों को करना जरूरी है। अगर आपके पास प्रूफ है, एक ही चीज है कि भाई जो प्रूफ हम दे रहे हैं वही प्रूफ आप भी दे रहे हैं, तो एक छात्र कर दिया तो सही है। नहीं तो अगर आपके पास अलग अलग प्रूफ है तो आप लोग अलग अलग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में काफी हम अपडेट देखने वाले, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। तो दूसरी दोस्तों जो अपडेट आ रही थी कि यूपी टेट 2019 डीएलएड करने वालों के ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्या है पूरी अपडेट इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 में शामिल होने वालों की ओएमआर सीट का मूल्यांकन होने जा रहा है।
इसमें उन अभ्यर्थियों के उम्मीदवार का मूल्यांकन नहीं होगा जिन्होंने दोस्तों एनआईओएस से डीएलएड किया है। किससे किया है? एनआईओएस, ठीक है ना, से प्रशिक्षण प्राप्त किया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जल्द ही परीक्षा समिति में इस प्रस्ताव का अनुमोदन कराकर ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाएगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ठीक है ना, शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस के अभ्यर्थियों ने भी डीएलएड का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन किया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की नियमावली में सिर्फ शिक्षा मित्रों को ही पत्राचार के माध्यम से डीएलएड मान्य है। इसके सिवा नियमावली में अन्य पत्राचार के डीएलएड मान्य नहीं है। ऐसे में एनआईओएस के डीएलएड अभ्यर्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा। सचिव ने बताया कि तमाम जिलों में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले को प्रवेश से रोका गया था, उसके बाद भी तमाम इम्तिहान देने में सफल हो गए, मतलब काफी छात्र सफल हो चुके हैं। अभी ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या तय नहीं है कि आखिर एनआईओएस से डीएलएड करने वाले कितने अभ्यर्थी शामिल है। यह कार्य ओएमआर स्कैन करने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक प्रॉपर आपके लिए वीडियो भी बनाई थी कि जो बच्चे एनआईओएस से डीएलएड कर रहे हैं तो वो आवेदन ना करे तो ही सही रहेगा, क्योंकि देखिए ये फिलहाल आपका यूपी डीएलएड के लिए आपका ये जो आता है ना यूपी टेट सब, तो अगर आप यूपी से हैं तो ही आप डीएलएड का फॉर्म भरे तो ज्यादा बेटर होता है। मतलब आपका दोस्त वही यूपी टेट का आवेदन करने के लिए यूपी के छात्रों के लिए प्रेफरेंस पहले दिया जाता है, वही सब चीजें। अब उसके बाद दोस्तों देखिए एक और बड़ी अपडेट है, उसको हम पहले आपको दिखा दें। जो भाई जो शिक्षक भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं उसको भी तो देखना है ना कि कब तक और कितनी शिक्षक भर्ती आने वाली, कब तक आपको नौकरी मिलेगी। सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती के मांगे गए प्रस्ताव। परिषदीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से फरवरी में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। प्रदेश में 3,040 सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 4,500 से अधिक सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2019 में नियमावली में संशोधन किया है। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से मार्च 2020 तक इन विद्यालयों में खाली होने वाले पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे। करीब 4,500 पदों पर भर्ती का अनुमान है। बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि टीईटी परिणाम जारी होने के बाद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों आप तैयारी कर लीजिए, देखिए आप शिक्षक भर्ती भी आ चुकी है, यूपी टेट का रिजल्ट भी आने वाला है, सब कुछ हो रहा है। तो 2020 में देखिए आप लोग के हो सकता है कि काफी ऐसे छात्र होंगे जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र आ चुका होगा। तो दोस्तों 2019 में तो सही बताएं तो आपकी एक भी शिक्षक भर्ती फिलहाल देखने को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जो शिक्षक भर्ती है दोस्तों चल रही थी वो पुरानी थी, लेकिन 2019 में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा 2020 में काफी शिक्षक भर्तियां आ सकती हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। देखिए काफी छात्र ऐसे कहते हैं कि यार नौकरियां नहीं आती, लेकिन जब नौकरी आए ना तो उसका फायदा भी उठाना आपको आना चाहिए। 2022 में दोस्तों आपके चुनाव होने वाले हैं, तो एक बात तो साफ है दोस्तों कि 2021 तक कुछ बड़ी शिक्षक भर्तियां देखी जा सकती है, जिसमें कि भाई सरकार भी चाहेगी ना कि जल्द से जल्द कुछ बच्चों को नौकरियां दी जाए जिससे कि सरकार को भी फायदा हो सके। तो ये सब दोस्तों आपको देखना है, ध्यान देना है। देखिए एक और ये अपडेट बहुत ही बड़ी अपडेट थी कि प्रशिक्षण वाले जिले से आवेदन को चुनौती की याचिकाएं खारिज। देखिए दोस्तों मामला ये था कि अगर आप लोग आगरा में रहते हैं, ठीक ना, अगर आपने आगरा से डीएलएड या बीएड कर रखा है, समझिए खाली इसको, डीएलएड बीटीसी जो भी नाम दोस्तों, या आपने बीएड का कोर्स कर रखा है, तो पहले ये रूल होता था दोस्तों कि आप अगर आगरा से ही अगर आपने डीएलएड बीटीसी बीएड किया है तो आपको नौकरी आगरा में ही मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सुपर टेट का नियम आया, अगर आपने आगरा से बीटीसी कर रखा तो आप गाजियाबाद जा सकते हैं, लखनऊ आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो पूरा मामला दोस्तों देखते हैं क्या था। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण वाले जिलों से आवेदन करने संबंधी नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में बनाए गए नियमों में किसी तरह की अवैधानिकता नहीं है। तो दोस्तों न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश अमरीश कुमार समेत कुल 16 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाओं में सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से 26 दिसंबर 2016 को जारी दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई थी। इसके तहत बीटीसी प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षण के जिले से ही आवेदन करने को वरीयता दी गई।
याचियों की दलील थी कि उन्हें इस बाध्यता के इतर अन्य जिलों में आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। मामला 2016 में सहायक अध्यापक के 12,460 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। सरकारी वकील ने याचियों की दलील का विरोध करते हुए पूर्व में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कुछ आदेशों की नजीर पेश की। पक्षों का दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस बाबत 1981 के नियमों में एक उद्देश्य निहित है, बच्चों को उनके क्षेत्र की भाषा व संस्कृति जानने वाले से बेहतर समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, वही कहने का मतलब अगर समझिए, पहले अभ्यर्थियों ने जहां से प्रशिक्षण लिया होगा उसे वहां के क्षेत्र की अधिक समझ होगी और वह वहां के बच्चों को बेहतर तरीके से समझाकर शिक्षा दे सकता है। मथुरा जहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, वहाँ गोरखपुर जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, के अभ्यर्थी को खासी दिक्कत आएगी। राज्य सरकार ने इस मामले में जो नियम बनाए वे सही हैं और याचिकाओं में उठाई गई आपत्तियां कानून सम्मत नहीं है। तो दोस्तों 12,060 मतलब 12,460 शिक्षक भर्ती में जो छात्र नौकरी पा चुके थे, अब उनकी नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं है, तो मतलब वो पूरी तरीके से सुरक्षित और सेफ है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, देखिए शिक्षक भर्ती आपके 2016 से शुरू हुई थी, जिसका अभी तक दोस्तों मामला कोर्ट में चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 साल हो चुके हैं। तो वही बात है दोस्तों कि अगर आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, यूपी टेट सी टेट के बाद अगर आप सुपर टेट में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं सुपर टेट पास करके, तो आपके अंदर एक धैर्य नाम का दोस्तों जो प्राणी होता है वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। आपको धैर्य करने का भाई साहस करना पड़ेगा, क्योंकि और जगह ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिएगा कि 6 महीने में पेपर होगा, 7वें महीने आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको नौकरी दे दी जाएगी। देखिए यूपी टेट से दोस्तों वहां पर आवेदन काफी कम होते हैं। हम आपको बता दें भी आपकी एक शिक्षक भर्ती है जो अभी तक कोर्ट के चक्कर लगा रही, सबको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और 69,000 शिक्षक भर्ती को ना जानते हो तो आप कुछ नहीं जानते। मतलब मामला दोस्तों 1 साल से कोर्ट में चल रहा है। इसका जो पेपर हुआ था आपका 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, और आज आपको दोस्तों पता चल चुका है कि 16 जनवरी दोस्तों आपकी डेट हो चुकी है 16 जनवरी 2020। अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों आपको पता है यूपी टेट का रिजल्ट कब जारी होगा, सभी छात्रों को पता है कि 7 फरवरी 2020 को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इन छात्रों का रिजल्ट को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब आएगा कब नहीं आएगा। और इसमें जो आवेदन हुए थे दोस्तों लगभग 4,10,000 बच्चों ने आवेदन किए थे, और यूपी टेट में दोस्तों कितने छात्र आवेदन किए, 16 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी टेट में जब 4 गुना ज्यादा बच्चे आवेदन कर रहे तो भी इनका रिजल्ट जल्दी आता है, और इसमें छात्रों ने कम आवेदन किया तो भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो दोस्तों वही बातें हैं, जब बात नौकरी की आती है ना तो छोटी छोटी बात भी कोर्ट में चली जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे पूछे गए प्रश्नों पर आपत्तियों की भरमार, जब दोस्तों इतनी ज्यादा आपत्तियां हो रही हैं तो इसका मतलब दोस्तों साफ है कि अगर आपकी आपत्तियों को एक्सेप्ट नहीं करता यूपी टेट तो होगा दोस्तों अगला रास्ता क्या होगा, बता दें आपको पहले से ही। अगला रास्ता दोस्तों होगा कोर्ट का रुख करना। जी हाँ दोस्तों, ये मामला आपका कोर्ट में जा सकता है कि भाई आप नंबर देंगे कैसे नहीं। अगर एनसीईआरटी किताबों में अगर आपके आंसर सही पाए जाते हैं उसके बाद अगर आपको नंबर नहीं मिलते हैं, समझिए दोस्तों क्या होता है, एनसीईआरटी होता है एससीईआरटी की बुक्स में, अगर आपके जो उत्तर है भाई किताब से मैच कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको नंबर नहीं दिया जा सकता, तो दोस्तों सभी छात्र सिंपल सी बातें चले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में दोस्तों जाना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि नंबर आप कितनी आसानी से बढ़ाए नहीं जाते। जैसे आप सोच रहे होंगे अगर आपके 70 नंबर है कि क्या 12-13 नंबर बढ़ाया जाना पॉसिबल है। देखिए दोस्तों हर एक प्रश्न में काफी विशेषज्ञों ने यह कहा कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ी ना थोड़ी गलती की गई, प्रश्न पूछने तक में गलती की गई है, कहीं पर दोस्तों विराम चिन्ह सही नहीं लगे या कुछ भी। देखिए कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक एक बड़ी मिस्टेक कही जाती है अगर आप एक विषय विशेषज्ञ है तब। तो देखेंगे दोस्तों और भी अपडेट्स जो आएंगे हम आपको देते रहेंगे, फिलहाल तो आप लोग वेट एंड वॉच करिए, देखिए कितने नंबर बढ़ सकते हैं। बस आपको दोस्तों यही जानना कि अभी कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, देखिए दोस्तों कुछ चुनिंदा क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रिपीट किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी बात है यूपी भर में काफी ऐसे छात्र हैं दोस्तों जिनको लगता है कि नहीं हमारा उत्तर सही है। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, अगर आप 80 नंबर पर हैं तो आपको ऑब्जेक्शन करके दोस्तों अपने आप को बचा सकते हैं, 88 नंबर वाले बचा सकते हैं, 2 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं आसानी से। अगर आप लोग भाई 70 नंबर पर हैं तो आपको ऑब्जेक्शन कम से कम करना है, वेट एंड वॉच करना है, देखना है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और बाकी के अपडेट्स के लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और देखिए इस वीडियो का जो हम लास्ट में ये कहेंगे आज की बड़ी अपडेट्स में क्या क्या था, तो दोस्तों देखिए पहला अपडेट यही था कि आप लोग की ढेर सारी आपत्तियां दर्ज हो रही है यूपी टेट में, नंबर बढ़ने के बहुत ही ढेर सारे आसार बन रहे हैं। दूसरा दोस्तों अगर आपने एनआईओएस से डीएलएड किया है तो आपको यूपी टेट में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मतलब दोस्तों आपका मूल्यांकन ही नहीं हो पाएगा। तीसरी दोस्तों बड़ी अपडेट ये थी कि
एक 4,500 पदों पर शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द आ सकती है। तो मतलब सुपर टेट का दोस्तों जो पेपर क्या होगा, चौथा अपडेट ये हम कर सकते हैं, जो आपका सुपर टेट का पेपर होगा वो फरवरी के बाद दोस्तों इसके आवेदन लिए जाएंगे, तो उसके 2 से 3 महीने बाद आपका पेपर हो सकता है। और 12,460 जो शिक्षक भर्ती का दोस्तों मामला था वो फिलहाल कोर्ट से कंप्लीट हो चुका है। तो और भी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस।